अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल मटन की रेसिपी, जो बहुत कम मसालों में बहुत जायकेदार बनती है। तो चलिए मज़ेदार और डिलीशियस जीरा गोश्त बनाते हैं। इसमें कोई भी लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कुछ भी ऐड नहीं होगा। और अब मेरे पास है यहाँ पे 2 किलो मटन। मटन को हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। पहले मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 kg दही, 2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून जीरा ऐड करूंगी। और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूंगी। और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मटन को छोड़ दूंगी। और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, अब मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी। इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, दही में ही गोश्त गल जाएगा। और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है और इसमें अभी पानी है। अभी मैं मज़ीद पानी खुश्क होने तक इसको 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। और तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें घी ऐड करके 5 से 10 मिनट तक गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल मटन की कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मरियम ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।